एक भी लड़की ने अच्छे जेवर नहीं पहन रखे। अच्छा, छुट्टियों में तुम कहाँ जा रही हो? ये तो तुमने बताया ही नहीं मुझे। बताओ ना। इस साल मैं ऊटी जाने की सोच रही हूँ। तुम भी चलो। आओ बैठो। वेटर। एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नाम राजेश है। मैं फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ। आपकी एक फोटो लेना चाहता हूँ। व्हाट? जी इसलिए नहीं कि फोटो खींचना मेरा शौक है, बल्कि इसलिए कि फोटो इस गरीब का पेट भरता है। क्विक सर्विस, आज खींची और कल डिलीवरी। सॉरी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे खिंचवा लेना कविता। कविता? वाह ब्यूटीफुल। जिसे देखकर दिलो दिमाग शायरी करने लगे उसका नाम सिर्फ कविता ही हो सकता है। सच मानिए, मैंने बहुत सी लड़कियों को फोटोग्राफ किया है, लेकिन इतना पाकीज़ा हुस्न आज तक नहीं देखा। फोटो का तो पता नहीं, लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हो। गो अहेड। आइए प्लीज। बस यहाँ। हाँ एक मिनट, होल्ड दैट लुक। वाह, थोड़ा फेस इस तरफ। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, टेरिफिक। हाँ ये स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल। कीप दैट लुक, होल्ड दैट लुक। वाह। मन ने पूछो भाया, इस बहन की टकी का फेस कट है राजेश। नेकलेस कैसा लगा सेठ? देख भाया, ये मन ने के सवाल का जवाब नहीं है। और ये मेरे भी सवाल का जवाब नहीं है सेठ। ए बहन के टके, तू मन ने का नौकर है। मन ने हर महीने तय को 1500 पगार दो। क्या? देखो जयचंद, पिछले 5 महीनों में मैंने तुम्हें 15 ऐसी लड़कियों की तस्वीरें दी जिन्होंने कीमती जेवर पहन रखे थे, और वो सारे जेवर चोरी हो गए। अरे टैको से मतलब? तुमने लाखों रुपए के जेवर चोरी करवाए मेरी फोटो के वजह से, और मुझे दिए महीने के सिर्फ 1500 रुपए। अब मैं तुम्हें जेवरों के फोटो दिखाऊंगा कि मत तुम लगाना, चोरी मैं करूंगा। 50 मेरा और 50 तुम्हारा। वाह बेटा वाह, मन्ने की बिल्ली और मन्ने के मुंह पर म्याऊं। सोच लो सेठ, सौदा मंजूर है तो ठीक है, वरना खरीदने वाले बहुत मिल जाएंगे। आई जल्दी नहीं है सेठ, नेकलेस चुरा कर मैं पहले तुम्हारे पास आऊंगा सौदा करने। बाय बाय सेठ। बैंक का टका, सुअर का पिल्ला, सौदा कर रहे हैं। मन्ने दूसरे के माल में हिस्सा ना दूं, ये मन्ने के माल में हिस्सा मांगे। कहो। यस बॉस। बैंक के टके का पीछा करो, नेकलेस ये के हाथ में लगाने से पहले मन्ने के हाथ में लग जाना चाहिए। यस बॉस। उड़ो, छीनो और नेकलेस लेकर मन्ने के पास आओ। जाओ। ओके बॉस। हाँ माँ, शांत हो जा माँ, 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 शांत हो जा माँ। दूध पी ले माँ। लक्ष्मी बहन, लगता है श्रवण कुमार ने इस जन्म में महेश बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है तुम्हारा। भगवान की बहुत बहुत कृपा है पुजारी जी। चलो बेटा। लो भैया, बाकी पैसे वापस कर दो। क्या करते हो ये? क्या 10 रुपए? मैंने तो 20 रुपए दिए थे। 10 रुपए फूलों के काटूंगा नहीं क्या? अरे भाई साहब, सब लोग यहाँ 5 रुपए लेते और आप? मेरी दुकान की हर चीज असली है। ये फूल कश्मीर से आते हैं, ये पेड़ा बंगाल से, ये अगरबत्ती बेंगलोर से, और ये नारियल केरला से। असल माल की डबल कीमत होती है, क्या समझे भाई? ये तो जबरदस्ती है। तो कल से किसी दूसरी दुकान से ले लेना,
लेकिन भाई साहब आज के हिसाब का क्या होगा बताऊं? हाँ तुझे लगी तो नहीं और बताऊं? ए नहीं छोड़ बेटा छोड़ ऐसे लोगों के मुँह क्या लगना भगवान के दरवाजे पर भी गुंडागर्दी राम जाने संसार का क्या होगा हाँ भैया हाँ तुम्हारा माल ही असली है हाँ चल चल बेटा हाँ, चलो है? ऐसे गुंडों के मुँह लगना ठीक नहीं है बेटा पूजा की सामग्री भाई बाप का माल समझ के ले जाओ फोकट में ले जाओ फ्री में ले जाओ बिना पैसे ले जाओ लेकिन ले जाओ ए, तेरी ये हिम्मत असली है अच्छा तो ये है बंगाल कश्मीर और केरला का असली माल बेचने वाला हम ओ तो माँ ने आपको फोन कर दिया भाई उसने जब बताया कि तुम किसी दोस्त से मिलने गए हो तो मैं समझ गया कि तुम इसको लेकर आते होगे हवलदार अंदर कर दो साले को एक मिनट डैडी एक मिनट ये असली माल बेचने की दुगनी कीमत लेता है लेकिन पहले इसकी असलियत तो जान लीजिए इसकी असलियत भी है हाँ इसका असली नाम है राघवन चोरी स्मगलिंग में काफी डिग्रियां ले चुका है वांटेड लिस्ट में इसकी तस्वीर भी है वो देखिए दूसरी लाइन में तीसरी तस्वीर इसी की है अरे ये तो वही है साले ऐसे अंदर कर दूंगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाएगा मेरा नाम इंस्पेक्टर राम अवतार है क्या समझा हवलदार अंदर कर दो साले को जवाब नहीं तुम्हारी याददाश्त का बेटे उसकी फोटो लगी है मेरे पुलिस स्टेशन में और पहचान लिया तुमने एक ही बात है डैडी मैंने पहचाना या आपने पहचाना मकसद तो मेरे मेडल बढ़ाने से है ना बेटे गुंडे और बदमाशों को पकड़ के लाते हो तुम और तरक्की मिलती है मुझे ये क्या कह रहे हैं आप डैडी सच कह रहा हूँ बेटे अच्छा मैं चलता हूँ माँ इंतजार कर रही है अच्छा चाय पी के बेटे ये तो मेरा बेटा था जिसने तुझे बहुत कम मारा अगर माए होता ना नमस्ते 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 कविता जी नमस्ते वादे के मुताबिक मैं वक्त से पहले मौजूद हूँ कविता जी इससे पहले मैंने इतने खूबसूरत चेहरे की फोटो कभी नहीं खींची आप खुद ये देख लीजिए कैसे लगे फैंटास्टिक कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए अरे वाह अब तो शायर भी है था नहीं आपने बना दिया कल रात मैं आपकी तस्वीर डेवलप कर रहा था तस्वीर धुलकर बाहर निकली तो ऐसा लगा कि सारा का सारा डाक रूम जगमगा गया दिल में भावना का एक तूफान उठा दिमाग ने उसे शब्द दिए और जुबान ने उन शब्दों को शेर बना दिया अगर आप मेरा साथ दें तो मैं यही शेर आपको गा के भी सुना सकता हूं प्लीज
रखे। चक जाती है डाली की तरह तेरी कमर ताबा, लचक जाती है डाली की तरह तेरी कमर ताबा, बदल जाती है मौसम की तरह तेरी नजर ताबा, कभी ये फूल बन जाए कोई पागल कोई।
कमाल है, आप तो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। कमाल मेरा नहीं आपका है। ऊपर वाले ने आपको वो कशिश दी है कि अगर आप बेजान मूर्ति का हाथ भी पकड़ लें तो वो भी नाचने लगे। बस बस अब तारीफ के इतने पुल मत बांधिए कि मैं हवा में झूलती रहूं। अच्छा ये बताइए कितने रुपए दूं आपको फोटोज के? रुपए? क्या बात कर रही हैं आप? कविता जी आपने इतनी सी देर में मुझे जो कुछ भी दे दिया उससे बड़ी कीमत और कुछ नहीं हो सकती। सच? जी हाँ। गुड नाइट। आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं उन्हें अभी पकड़ता हूँ। नहीं नहीं, ये गुंडे बदमाश बहुत खतरनाक होते हैं, आप अपनी जान खतरे में मत डालिए। कमाल करती है आप, आपका नेकलेस चोरी हो गया और आपको मेरी जान की पड़ी है। क्या वो नेकलेस महंगा था? यही कोई 2.5 लाख का, मगर मेरे पास ऐसे बहुत जेवर पड़े हैं। जो कुछ भी हुआ आप भूल जाइए प्लीज। शाबाश मन्ने के प्यारे प्यारे कहुओ, आता लोगों ने मन्ने की तबीयत खुश कर दी। वो हराम जादे राजेश के मुंह से हड्डी उड़ाकर मन्ने की तबीयत खुश कर दी रे। वो बहन का टका मन्ने के साथ जयचंद के साथ सौदाबाजी करना चाहता था, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ तुम हो जयचंद। तुमने अपने कौओं को सिर्फ छीनना सिखाया है, असली नकली की पहचान नहीं सिखाई। ये नेकलेस असली है और तेरे हाथ में जो है वो नकली। बैल का टका, तय के हाथ में जो हार है ये असली है, इसकी क्या गारंटी है? चेक कर लो। ये तो असली है, ये तो असली है। सौदा करते हुए दूसरा ग्राहक ढूंढो। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, तय काम कर, पहले तय ये 20,000 रुपए धर लो, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ये 20,000 मैं पिछले हिसाब में जमा कर देता हूँ, अब इस नेकलेस की बात कर। समझ गयो, बिल्ली के मुंह में खून लग गया। कहो इन बहन के टके का मुंह साफ कर दो। मन्ने का चश्मा, अरे मन्ने का चश्मा मिल गया। अबे भेड़ के टके, अगर मेरे साथ ज्यादा शरारत की ना तो ये गर्दन तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? समझ गयो, समझ गयो। ये ले चाकू। डिंके टके, डिंके टके, डिंके टके, डिंके टके। बैन के टका नेकलेस ले गया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सर, इंस्पेक्टर क्या खबर है? सर आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं सर, मैंने खतरनाक मुजरिम राघवन को गिरफ्तार कर लिया है सर। ओ, ये तो वही परेर का दादा है जिसकी पुलिस को कई केसेस में तलाश थी, क्यों? यस सर, ये साला नकली दाढ़ी मुझे लगाकर मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री बेचा करता था। लेकिन सर मेरी नजर से कहां बचने वाला था, मैंने इसको फौरन पहचान लिया। इसने मुझ पर हमला किया सर, मैंने एक हाथ से इसके वार को रोका, दूसरे हाथ से दाढ़ी नोच ली और तीसरे हाथ से देह घुटना मारा, इसके पेट में वहीं बैठ गया। मैंने कहा बच्चे याद रख, मेरा नाम भी इंस्पेक्टर राम अवतार है। कहा है क्या है? मैंने कहा सर कि मैं एसीपी टंडन साहब का चेला हूं, जिन्होंने 6-6 मर्डर करने वाले खूंखार बिल्ला और पंजा जैसे खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। सर ये बिल्ले और पंजे के केस का फैसला कल होने वाला है। हाँ, हाँ? सारे सबूत और गवाहियां उनके खिलाफ हैं। अच्छा है। और डिपार्टमेंट को पूरा यकीन है कि उन दोनों को फांसी की ही सजा होगी। भैया पंजा और बिल्ला को सजा नहीं होनी चाहिए, वो दोनों हमारे खास आदमी है, उनसे हमें लाखों रुपए का फायदा है, इसके अलावा उनकी मदद ही इलेक्शन में हमारी जीत की निशानी है। मुकदमा किस जज के पास? पीसी अग्रवाल के पास।
हेलो अग्रवाल स्पीकिंग। तमाम सबूत और वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस वक्त 6 आदमियों का खून हुआ था उस वक्त बिल्ला और पंजा वहां मौजूद थे, लेकिन ऐसा एक भी गवाह या सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि खून इन दोनों के हाथों से हुए हैं। इसलिए ये अदालत बिल्ला और पंजा दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा करती है। बिल्ला और पंजा की आजादी की खुशी में चार। चार। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे भाया? सरेआम इन बहन के टकोड़े 6 आदमी मार डाले और अदालत ने इनको छोड़ दिया। यसगुरिया, ये सब मेरे भाई नेता परशुराम का कमाल है जचन। उसके एक फोन पर अदालत इंसाफ करना भूल गए। मेरे भाई की मर्जी को रोकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। सेठ आज जमाना दौलत का गुलाम है, हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। एक चीज नहीं बिकती, ऐसी अदालत। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मुझे सिर्फ बिल्ला और पंजा चाहिए। किसी ने दखल अंदाजी की कोशिश की वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। हराम साधो, भगवान की अदालत का फैसला इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए वो गुनाह पे गुनाह किया जाता है और इंसान की अदालत कभी कभी फैसला करने में धोखा खा जाती है। इसलिए मैंने बनाई है तीसरी अदालत जो तुम जैसे हत्यारों को सजा देगी। नहीं, 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 सजाए मौत। तीसरी अदालत आज तक 21 आदमियों का मर्डर कर चुका है और हमारे डिपार्टमेंट को यह भी पता नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, कहां से आता है और कहां जाता है। सर, जो भी हो वो तो सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल्स को मारता है जिन्हें हमारी अदालतें अपनी कमजोरियों की वजह से छोड़ देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे। इंसाफ और कानून को हाथ में लेने वाला कानून का मुजरिम है और उसे गिरफ्तार करना हमारी ड्यूटी है। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तीसरी अदालत को जल्द से जल्द अपनी अदालत के कटघरे में लाके खड़ा कर दें। आ,
उठ स्टेरिंग से मिर्जे जाग जा, तेरी सहमा करे पुकार। सत श्री अकाल। की हाल है जी? ओके नमस्कार सेठ साहब, नमस्कार। ओके। अरे बलवंत, तुम्हें तो शाम तक वापस आना था, माल ठीक ठाक पहुंचा दिया ना? साहब जी ये चलान आपके सामने, और देखिए पूरे 7.25 घंटे में वापस आ गया हूँ वहां से। वाह कमाल है भाई, तुम्हारे जैसा तेज और भरोसेमंद ड्राइवर हमारी कंपनी में नहीं है। इसे तो इनाम देना चाहिए। नहीं जनाब, अपने को इनाम इनाम नहीं चाहिए। देखिए अपने को तो दो वक्त इज्जत की रोटी मिल जाए बहुत है जनाब। जनाब आज क्या है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, अगर मैं जल्दी चला जाऊं मेरी बीवी खुश हो जाएगी। अच्छा मुबारक हो भाई, मुबारक हो। वाह कितना मेरा वीर बोरा। ओ जसवंत। हेलो भैया। ओ जिंदा रह जिंदा रह, तुम्हारा घर में भाभी इंतजार कर रही होगी, जल्दी घर चल। तुम चलो मैं बाजार जाकर अभी आता हूँ। मैं ना छोड़ूंगा आज, ना छोड़ूंगा। सुनो जी, पलंग पर नए कपड़े रखे हैं, पहन लेना। मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ। हाय बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, गड्डी टुर दी है ते टुर जाए। डूं 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 डूं। कहाँ गए? इत्थे हां जी। अरे अरे बाबा छोड़ो ना, मुन्ना दब जाएगा। मुन्ना कैसे दब जाएगा डार्लिंग, मुन्ना तो इतना खुश होगा कि हमारे पिताजी ने हमें छुआ है, हम पिताजी की तरह पहलवान बनेंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, पता क्या कि हमारे पिताजी हमारी माता जी को कितना करते रहते हैं। जसवंत आ जाएगा। अरे जसवंत नॉट कमिंग टुडे, आई पेज हिम आउट टुडे जे बट यू कॉल मैरिज एम्ब्रेसरी एम्ब्रेसरी। और छोड़ो ना, मुझे तकलीफ हो रही है बाबा। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये अपना मुन्ना ही बीच में स्पीड ब्रेकर बन गया है। ए सुनती, ऐसा लग रहा है कि दो हैं। चलो हटो। चलो हटो, इतनी जल्दी भागने की क्या है, आज मैरिज सालगिरह है। मैं अपनी डार्लिंग अपनी सुमती के लिए छोटा सा प्रेजेंट लाया हूँ। अपने हाथों से पहना दो ना। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा जो तुम जैसा पति और जसवंत जैसा देवर मिला। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही सौभाग्य मिले। सुनती ए सुनती हे।
मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको तुम अपने गजरे का फूल बना के, गजरे का फूल बना के। अब तो कोई भी आ जाए। जसवंत, अरे तू कब आया रे? मैं क्या तेरी भाभी की आंख में कुछ पड़ गया था, निकाल रहा था। अरे तू ए जसवंत, ये तू सिग्नल डाउन करके क्यों खड़ा है? तू आया कब? भैया उस वक्त आया जब आप और भाभी दोनों, इजाजत हो तो आंखों पर से हाथ हटा लो भैया। हटा ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आगे जब घर में दाखिल हो तो पहले दरवाजे पर ठक ठक करना, नहीं तो बोनट पर चेप डाल दूंगा। भैया भैया भैया, अपने यह हाथ मेरे ऊपर सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठाए करो। अरे मेरे जसवंत, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है रे। ये तू क्या लाया रे? भाभी तुम्हारे लिए साड़ी चूड़ियां और मेरे आने वाले भतीजे के लिए ये खिलौने। अरे वाह। और अपने भैया के लिए क्या लाया? इनके लिए क्या लाता भाभी, भगवान ने इनका जन्म तो मुझे देने के लिए किया है। बाप का प्यार, भाई की मोहब्बत, गुरु की शिक्षा, माँ जैसी भाभी, सब कुछ तो इन्होंने ही दिया। ए पगले, बस कर, मुझे रुलाएगा तू क्या? अरे बलवन नहीं आया रे? हाँ? नमस्ते सेठ जी। जसवंत तू? बलवन कहाँ? बलवन भैया की जगह मैं आ गया। क्यों? भाभी उम्मीद से है, कभी भी अस्पताल जा सकती है, इसीलिए वो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जा जा। अच्छा जी। गड्डी चल दी है तारां ते तेरी। सुनो जी, जसवंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहीं भूल गया। क्या लाइसेंस यहाँ भूल गया? अरे बॉम्बे से नासिक तक तो चेक पोस्ट पड़ते हैं, इतने पैसे देने पड़ेंगे बेचारे को जेब खाली हो जाएगी। ले तू पकड़ ये कुप्पी और मैं लाइसेंस दे के आता हूँ। संभाल के पॉट लोड इसमें। संभाल के, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी चल, जल्दी जल्दी। गधा साला उल्लू का पट्टा, ये क्या किया तुमने? उठा इसको जल्दी से पेटी में भर दे। चलो अंदर रख दे। गधे गए। अरे जसवंत, ये पेटियां संभाल के नासिक पहुंचा देना। नहीं सेठ जी, मैं ये खोटा काम नहीं करूंगा। अबे पागल हो गया है क्या? अभी तक 700 की नौकरी करता था, अब हमारा साथी बनकर माल कमा। 2000 रुपये मिलेंगे एक ट्रिप के, पगार अलग। और पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो अलग। देखो सेठ जी, हम मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं, हराम की रोटी हमारे पेट में नहीं बचती। ए ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, जो काम बोला है ना वो कर, वरना वरना मुझे मार डालेंगे क्या? जरूर, मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। जिंदा रहेगा तो पुलिस में रिपोर्ट कराएगा ना? ए, पकड़ो इसको। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भैया मुझसे बच के नहीं जा सकते, मैं नहीं छोड़ूंगा।
तुझे तुझे कुछ नहीं होगा जसवान, तुझे कुछ नहीं होगा। ये भैया, ये सब कैसे हो गया? भैया भैया भैया, सेठ लोगों ने मुझसे स्मगलिंग के सोने को ट्रक में ले जाने को कहा, मैंने मना किया और कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, फिर उन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया। उन कुत्तों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जसवान भैया, गुस्से में कोई गलत काम नहीं करना, वरना भाभी का क्या होगा? जसवान, जसवान, नहीं, नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ इसको? कौन है ये? ये मेरा छोटा भाई है इंस्पेक्टर साहब। ये बिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, वो लोग स्मगलर हैं। इसने देख लिया और इसने कहा कि मैं पुलिस में इत्तला करूंगा, और उन लोगों ने इसका खून कर दिया साहब। अब उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। हवलदार, इस आदमी को लॉकअप में बंद कर दो। क्या? मुझे मुझे लॉकअप में किस लिए? खून उन लोगों ने किया है, लाश आपके सामने पड़ी है, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? हम तुम्हें तुम्हारे भाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या फक रहा है इंस्पेक्टर? मैं अपने भाई का खून करूंगा। हाँ, अंदर कर दो इसे। कोई बात नहीं है, अब मैं किसी का खून कर दूंगा। हट जाओ। खबरदार, वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। ये जुल्म है, अंदर कर दो इसे। अंदर। ये सरासर जुल्म है, ये अन्याय है इंस्पेक्टर। ये कैसा इंसाफ है इंस्पेक्टर, हम गरीबों के साथ। सालो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। छी 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 छी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बलवंत। जानते हो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई के खून का इल्जाम क्यों लगा है? क्योंकि तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई जसवंत और तुम्हारी पत्नी के नाजायज तालुकात हैं। कुत्ते की औलाद, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुमने गुस्से में आकर अपने भाई का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हाँ हाँ, ये सरासर झूठ है, लेकिन इस झूठ को और भी सच करने के लिए आप दोनों को एक काम करना पड़ेगा। हाँ? इसके घर में आग लगा दीजिए, और उस आग में इसकी पत्नी का जलकर मरना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम में से किसी ने अगर मेरी बीवी को छुआ भी तो माँ की सौगंध, मैं तुम सबकी हड्डियां कुत्तों को डाल दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पुलिस रिपोर्ट बनेगी कि इसकी पत्नी ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। आप लोग चलिए, मैं आगे संभाल लूंगा। कांस्टेबल साहब, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा साहब। कुत्तों, मुझे अपनी माँ की सौगंध, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बाहर आने दो। मालकिन, गजब हो गया। क्या हुआ? बलवंत भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? किस लिए? उन्होंने जसवंत भैया का खून कर दिया। नहीं, नहीं हो सकता, कभी हो सकता। नहीं हो सकता है क्या? ऐसा हो गया है। हाँ, और ये बात शहर में सब लोग जानते हैं। कौन हो तुम लोग? इस घर के लिए मौत के देवता हैं। पकड़ लो इन दोनों को। चला दो। हे भगवान, क्या करूं मैं? बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ, बचाओ, कोई है। हे भगवान, कोई है, बचाओ। और उस आग में इसकी पत्नी का जलकर मरना बहुत जरूरी नहीं, है। नहीं।
गुड मॉर्निंग हवलदार साहब। गुड मॉर्निंग। कैसा है वो खूनी? रात भर शेर की तरह धारता रहा, तंग कर दिया मुझे। उसको संभालना, ये लो चाबी। मैं देख लूंगा उसको। अच्छा, अबे ओ किधर है बे? सपने बुन रखे थे मैंने तेरे साथ जीने के लिए, अपने बच्चों के साथ जीने के लिए, अपने छोटे भाई जसवंत के साथ जीने के लिए, लेकिन उन दरिंदों ने हमारे सपनों में आग लगा दी, हमारी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया। लोग इसे भगवान की देन समझकर सह लेते हैं, मर मर के जीते रहते हैं। मैं भी मर चुका हूं सुनती, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। जानती है क्यों? उन्हें सजा देने के लिए जो कानून की अदालत को धोखा देकर बच निकलते हैं, अब इस धरती पर कोई रणवीर कोई बलवीर जिंदा नहीं रहेगा। उनकी तीसरी अदालत मैं हूं, उन्हें सजा मैं दूंगा। इनकी ये हालत कब से है? मैं 10 साल का था तब से माँ को इसी हालत में देख रहा हूँ। ऐसे ही खामोश चुपचाप बैठी रहती है। हाँ, अगर कोई तेज आवाज हो जाए तो एकदम से भड़क उठती है।
ऐसे केसेस के पीछे कोई ना कोई हादसा जरूर होता है जो दिमाग पर असर छोड़ जाता है। इनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ? ऐसा कोई हादसा मुझे तो याद नहीं है डॉक्टर साहब। इनका इलाज सिर्फ अमेरिका में हो सकता है। अमेरिका में? हाँ, वहां कुछ ऐसे केसेस ठीक किए गए हैं, लेकिन खर्च बहुत होगा। मेरी माँ ठीक हो जाए इसके लिए मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ डॉक्टर। कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होंगे, उसका इंतजाम हो जाए तो मेरे पास आ जाना। मैं चलता हूँ, इट्स ऑल राइट। बाय बाय राजेश। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? रणबीर, माल पहुंचा दिया ना? हाँ, दोपहर को ट्रक जाएगी। गुड मॉर्निंग डैडी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। डैडी, मारुति कार का एक नया मॉडल मार्केट में आया है, मुझे वो चाहिए। देखो बेटी, वो डिपार्टमेंट तुम्हारे चाचा का है, समझे ना? और चाचा तुम्हारी बात टाल नहीं सकते। एक हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी बेटा। थैंक यू अंकल। हाय कविता। हाय सुनीता, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कम गुड मॉर्निंग। आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। क्यों रही सुनीता की बच्ची? कहाँ थी एक हफ्ते से, दिखाई नहीं दी? अगर मैं नहीं आई तो तुम मेरे क्लिनिक में मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी क्यों अंकल? भाई तुम दोनों सहेलियों के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सुनीता बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा क्लिनिक? बहुत अच्छा चल रहा है अंकल। लगता है आजकल दुनिया में दिमागी मरीज कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि मरीजों के चक्कर में कहीं तू भी पागल ना हो जाए। अच्छा तुम दोनों बातें करो, हम लोग चलते हैं। भैया वो ट्रक का मैं ये बोल रहा था। अच्छा सुन, डैडी ने मुझे बुलाया है, सोचा तुझे बोल के जाऊं, वरना तू बाद में सर खाएगी। कब जा रही है तू? मैं शादी नहीं करना चाहती डैडी। कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम्हारी स्वर्गवासी माँ ने इनके बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है। ओह डैडी, हमारा बेटा सुंदर है, पढ़ा लिखा है, ना करने से पहले एक बार उसकी तस्वीर तो देख लो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो फोटो देखने से क्या फायदा? सुना करमवीर, सुना तूने? तो कुछ समझाना इसे कि तेरी बात मानती है। सुनीता, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें शादी से इनकार क्यों है। देखो, शादी जिंदगी की मंजिल है, जीवन साथी, घर का सुख, बच्चे, ये सब तो जरूरी है ना। ये सब किताबी बातें हैं अंकल, मैं साइकायट्रिस्ट हूँ। सैकड़ों मरीज मेरे पास आते हैं और ज्यादातर उनमें शादीशुदा औरतें होती हैं। और जानते हैं उनकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह कौन होते हैं? उनके पति। ये मर्द शादी के बाद औरत को अपना खिलौना समझते हैं, जर खरीद गुलाम समझते हैं, उसे बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। सब कुछ जानते हुए मैं ये मुसीबत क्यों खरीदूं? हो सकता है कुछ मर्द ऐसे हों, लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं सुनीता, जो मरते दम तक अपनी पत्नी की पूजा करते हैं। मैंने तो ऐसा एक भी मर्द नहीं देखा। प्लीज अंकल, मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, मुझे क्लिनिक पहुंचना है, मैं चलती हूँ। गुड बाय एवरीबॉडी। अब बहन जी, इस पगली को कैसे समझाऊं? औलाद खानदान का नाम बढ़ाती है और ये बेवकूफ खानदान का नाम मिटाने पर तुली हुई है। भाई साहब, लगता है डॉक्टर बनाने के चक्कर में आप अपनी बेटी को घर गृहस्थी की किताब पढ़ाना भूल गए। आप ठीक कह रही हैं बहन जी, मैंने इसे बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह पाला है। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो शायद ऐसा ना होता। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, एक औरत होने के नाते मैं उसकी बीमारी समझ गई हूँ। आपकी बेटी मेरी बहू जरूर बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छी लगी? माँ ये अरे ये तस्वीरें किसने रखी? बेटे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये लड़की अगर पसंद ना भी हो तो भी हम इसे पसंद कर चुके हैं और अपनी बहू बनाना चाहते हैं, क्यों जी? हाँ जी। हाँ जी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटे कि ये लड़की शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें इसे शादी करने के लिए राजी करना है। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। डैडी, शायद ये लड़की किसी और से शादी करना चाहती हो। नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। इस लड़की की बीमारी क्या है ये मैं तुझे बताती हूँ, और वो बीमारी तुझे दूर करनी है।
ये दवाएं खाती रहना, लेकिन हफ्ते में एक बार मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा, मुझे यकीन है 3 महीने में तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। शुक्रिया डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कम इन, बैठिए ना। थैंक यू। आपका नाम क्या है? जी महेश। अच्छा महेश, क्या तकलीफ है आपको? 2 साल पहले माया नाम की लड़की से मेरा प्यार हुआ। उस वक्त मैं पेंटिंग करता था। वेरी गुड। लेकिन माया से मिलने के बाद मेरे ब्रश सिर्फ माया की पेंटिंग बनाने लगे। अच्छा। माया के सिवाय मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था। 6 महीने बाद हमने शादी कर ली। माया 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 माया, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ माया ही मेरी जिंदगी बन गई थी। लेकिन तकदीर को शायद हमारा प्यार पसंद नहीं आया। 3 महीने पहले माया मर गई। ओह, हाउ सैड। उसके मौत पर मैं 15 दिन तक बेहोश पड़ा था। डॉक्टरों ने मुझे बेहोशी से तो जगा दिया, लेकिन माया की यादों से नहीं निकाल सके। अब जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूं जिसकी शक्ल माया से थोड़ी बहुत भी मिलती जुलती है, तो दिल करता है कि उसे पकड़कर सीने से लगा लूं। That's dangerous. डॉक्टर, अब परसों की ही बात है, मैं एक दोस्त के घर में बैठा था। उसकी धोबन कपड़े लेकर आई, मुझे वो माया जैसी लगी, मैंने उसे पकड़ लिया। अच्छा हुआ कि धोबी बाहर खड़ा था, वैसे मैं कई बार पिट चुका हूँ। इतने अपमान सहने के बाद जीने को दिल नहीं चाहता डॉक्टर, लेकिन मैंने माया को वचन दिया था कि मैं खुदकुशी कभी नहीं करूंगा। अब आप ही बताइए, इस तरह मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ डॉक्टर? नहीं नहीं, डोंट वरी, तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगी। सच डॉक्टर? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे वही आंख, वही बाल, वही होठ। माया, मेरी माया। महेश, किधर गई थी माया? महेश, तू आ गई माया। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ के मत जाना माया। छोड़ो मुझे माया। माया, मैं माया नहीं डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टर हो, मैं मरीज हूँ। सॉरी डॉक्टर, देखा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता। डॉक्टर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ डॉक्टर, मैं क्या करूँ? बेचारा कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से। महेश, महेश। जी डॉक्टर। तुम्हारी बीमारी मेरी समझ में आ गई है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। हाँ, सच डॉक्टर? हाँ, लेकिन तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। कहिए, क्या करूं? सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करो। जी, वो कर लूंगा। हाय राजेश। हाय। सॉरी आई एम लेट। कुछ ऑर्डर दिया? नहीं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या करूं कविता, इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन हो रहा है और मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। लेकिन समझ में नहीं आता कि मॉडल किसे बनाऊं। मॉडल? अरे इतनी सी बात के लिए परेशान हो? क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। क्या कह रही हो कविता, इतने बड़े घराने की लड़की और मॉडल? नहीं बाबा नहीं। सो व्हाट, मैं इसे अपना प्रोफेशन थोड़ी बनाऊंगी, ये तो सिर्फ तुम्हारी खातिर, फॉर योर सेक। लेकिन कविता मेरी बात तो सुन। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्या रूप दोगे? मेरे दिमाग में एक ख्याल है कि औरत और जेवर दोनों का संगम इस दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरता है। फैंटास्टिक, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे पास सब तरह के जेवर पड़े हैं,
जो तुम्हें पसंद आए उनमें फोटोग्राफ कर लेना। ओके थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। चले चलो। वाह क्या जेवर है, इतने सारे जेवर देखकर आंखें चौंधेंगे। अच्छा ये बताओ इनमें से पहले कौन सा पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो, तुम्हारे जिस्म पे तो सभी अच्छे लगेंगे। ये पहनूं? हाँ गुड। ठीक है ना? वाह लगता है आसमान के तारे पहनकर कोई अप्सरा जमीन पे आ गई। सच? सच कविता, लगता है भगवान ने तुम्हें देवताओं के लिए बनाया, गलती से धरती पे भेज दिया। इतनी सुंदर नारी किसी इंसान के भाग्य में नहीं हो सकती। राजेश ऐसी बातें सुन के मुझे कुछ होने लगता है। चलो ना तुम अपना काम करो। ओके ओके जैसे मेरे। हाँ थोड़ा इस तरफ, थोड़ा बस गुड, थोड़ा चिन अप, फैंटास्टिक। और ये होंठ थोड़े से खुले रखना, ब्यूटीफुल लिप्स, लवली। Thank you.
है, जाने उसका क्या नाम है। हम दोनों में कुछ न कुछ है, हम दोनों में कुछ न कुछ है, हम दोनों में कुछ न कुछ है। इनका फ्रेंड हूँ। मेरा नाम ए, साला चोरी करने के लिए आए। नहीं 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 अरे अरे चोर चोर अरे पकड़ो चोर पकड़ो। ये स्टील की टांग है, एक लगाऊंगा ना तो थोबड़ा फूट जाएगा। ये लोहे का हाथ है, चमड़े के जबड़े पे पड़ा ना तो। बेटी कविता, क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ? वो आदमी कौन था? यहाँ कैसे आया? तुम जानती हो उसे? हाँ, बोलो ना। अरे चुप क्यों है तू? बोलती क्यों नहीं? तू अपने सारे जेवर यहाँ पे क्यों लेके आई? बोल। वो साला चोर ये सारे जेवर कपड़े में बांध रहा था। हाँ। अच्छा वो हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए, वरना वो ये सारे जेवर लेकर चंपत हो गया होता। धोखेबाज, मक्कार, फरेबी, चोर, तूने मुझे धोखा दिया है, मेरी भावनाओं से खेला है। कविता मेरी बात, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, जान से मार दूंगी, कविता, जान से मार दूंगी मैं कविता, तुम्हें। प्लीज मेरी बात सुनो कविता, कविता प्लीज स्टॉप। ये मेरी माँ है, पिछले 15 साल से ये सिर्फ नाम के लिए जिंदा है। ये अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल भूल चुकी है और ना ही ये किसी को पहचानती है। तेज आवाज सुनकर बस पागल सी हो जाती हैं। इनका इलाज सिर्फ अमेरिका में हो सकता है और उसके लिए मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है।
इसीलिए मैंने तुम्हारे जेवर चुराने की कोशिश की। मैं चोर नहीं हूं, ना ही चोरी करना मेरा पेशा है। बस मेरी मां ठीक हो जाए, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है कि वो मुझे पहचान सके, मुझे बेटा कह के पुकार सके। और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, चोरी, डाका, खून भी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, तुम मुझे जो चाहो सजा दे सकती हो, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। राजेश, माँ की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई चीज नहीं है, इसकी कदर मैं जानती हूं, क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना। आज तक मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हारी पूजा करूंगी। राजेश, अमेरिका में ऐसे कुछ केसेस का इलाज तो जरूर हुआ है। हाँ, लेकिन हर आदमी वहाँ का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। You're correct. इस बार डैडी के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना पड़ेगा। वो बाहर गए हैं, आते ही मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन तुम इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? मैं उनके बेटे राजेश से प्यार करती हूँ। नॉनसेंस, इस बीमारी के चक्कर में तुम कहाँ बढ़ गई? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आओ महेश। ओके सुनीता, अब मैं चलती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया ना, मैं जाता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरी सहेली है कविता, और ये मेरे मरीज महेश। हेलो। हेलो। तुम जाओ कविता, नहीं तो ये तुम्हें अपनी पत्नी समझकर पकड़ लेगा। क्या? ओके सुनीता, मैं जाती हूँ। बाय। एक मिनट, डॉक्टर, इन्हें देखकर मुझे अपनी बहन याद आ रही है। तुम्हारी बहन भी है? वैसे है नहीं, लेकिन मेरा मन कहता अगर होती ना तो बिल्कुल इनकी जैसी होती। हेलो सिस्टर। हेलो। ओके सुनीता, मैं चलती हूँ। बाय बाय। महेश, महेश, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टर हो? मैं मरीज हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर। कोई बात नहीं, इधर आओ। इंस्पेक्टर नारायण हियर। मैं शंभू हूँ सर, पुलिस इन्फॉर्मर। मैंने ही बिला पंजा के बारे में आपको खबर दी थी सर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, क्या बात है? सर, लगता है कि उनको पता चल गया है कि मैं पुलिस का खबरी हूँ। मेरे घर के चारों तरफ उनके आदमी पहरा दे रहे हैं और मुझे डर है साहब, वो मुझे मार डालेंगे। तुम घबराओ मत शंभू, मैं भी आता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, पुलिस को बुला रहा था? अबे पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? नहीं बहादुर साहब, मैं तो हराम साधे, तेरी इतनी हिम्मत हमारी खुफिया बातें पुलिस तक पहुंचाता है? तू समझता है पुलिस का खबरी बन के हमसे बच जाएगा? नहीं बहादुर साहब, मैंने पुलिस की कोई मुखबिरी नहीं की। नहीं बहादुर साहब। खबरदार बहादुर, जरा भी हरकत की तो पुलिस की गोलियां तुझे भून के रख देंगी। इंस्पेक्टर नारायण, मुझे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया तुमने। शट अप! बकवास बंद कर वरना मार मार के जुबान बंद कर दूंगा। तुम साला 1500 रुपए पाने वाला नौकर हमको बहादुर सिंह को धमकी देता है? मुझसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कर लेगा तू है? अपने भाई नेता परशुराम से कह के मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाएगा? मेरा भाई परशुराम जो तुम्हारा हश्र करेगा, उससे पहले तुम्हारे साथ क्या होगा
ये देख के तुम खून के आंसू रोगे। नहीं नहीं, मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, मन में बहादुर सिंह जी और उनके साथियों के जमानत के कागज ले आया हूँ। वकील साहब दिखा दियो, इंस्पेक्टर देख लियो। हवलदार छोड़ दो इन तीनों को। अरे आओ मन में से प्यारे बहादुर, आओ आओ आओ। अरे अरे मन्ना बोलू गुस्सा दुख दे। अरे निकल ले यहाँ से, गुस्सा दुख दे। अरे अंदर हो जाएगा दोबारा से मन्ने की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या तुम्हारे घर भी नहीं आई? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा बेटी, ठीक है। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? शीला अभी तक घर नहीं आई। तो उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अपनी सहेली के यहाँ गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। सारी सहेलियों को मैं फोन कर चुकी हूँ, सब कहती हैं रिसेस के बाद शीला कॉलेज में भी नहीं थी। अरे तो पिक्चर देखने गई होगी। तुम तो खाम खां टेंशन लेती हो, खुद तो परेशान होती हो और दूसरे को भी परेशान करती हो। इंस्पेक्टर नारायण, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी बेटी का खून दिन में 3 बजे हुआ और बहादुर की जमानत शाम को 5 बजे हुई। मैं मानता हूं सर, लेकिन बहादुर जैसे लोगों के पास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो उनके इशारों पे काम करते हैं। प्लीज सर, आप बहादुर की गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाइए। कूल डाउन इंस्पेक्टर नारायण, बिना किसी सबूत के हम बहादुर की गिरफ्तारी के वारंट कैसे जारी कर सकते हैं? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के कहने पे भी नहीं सर। कल उसने मुझे पुलिस स्टेशन में धमकी दी थी। मेरे बयान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर नहीं तो इसका मतलब यह है कि इस वर्दी का कोई रुतबा नहीं। कोई अपनी जान पर खेल का दुश्मनी मोल लेकर उस शरीफ बदमाश को गिरफ्तार करे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उसे इनाम या तारीफ मिलने के बजाय उसे अपनी बेटी के खून में डूबी हुई लाश मिले। अगर यही सिला इस नौकरी का, इस वर्दी का, तो कौन अपनी ड्यूटी निभाएगा सर? कौन जनता की रखवाली करेगा? कौन इंसाफ करेगा? तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। तीसरी अदालत तुम? हाँ मैं। आज तुझे सजा देने आया हूँ, मौत की सजा। बहादुर मौत से नहीं डरता। तीसरी अदालत, हाथ में स्टेन गन लेके कायरों की तरह किसी को मारना मर्दानगी नहीं है। किसी की बेटी को किराए के आदमी से मरवा देना मर्दानगी होती है? किसकी बात कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर नारायण की बेटी की। क्या सबूत है कि मैंने उसे मरवाया? सबूतों पर बहस कानून की अदालत में की जाती है। तीसरी अदालत सिर्फ फैसला करती है। अब दिखा अपनी मर्दानगी। Thank you.
वो नहीं है, ऊपर से गिरा था। तीसरी अदालत जिंदाबाद। कौन है ये तीसरी अदालत? क्या कर रहे हैं आप लोगों से गिरफ्तार करने के लिए? मैं आप सबके खिलाफ दिल्ली में रिपोर्ट करूंगा। कल तक वो छोटे छोटे लोगों को मारता था, आज उसने मेरे भाई नेता परशुराम के भाई को मार दिया। हम नेता हैं, जनता के रहनुमा हैं, हमारे संबंधियों की हिफाजत अगर पुलिस नहीं कर सकती तो क्या जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट की? पुलिस काफी अलर्ट है नेताजी, हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। कब कर लेंगे आप उसे गिरफ्तार? आपके पास उसका अता पता हुलिया तक नहीं है? मैं इंसानियत के नाम पर, इंसाफ के नाम पर तीसरी अदालत को गिरफ्तार करने वाले के लिए 5,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान करता हूं। गत शनिवार को तीसरी अदालत ने बहादुर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस विषय में नेता परशुराम ने तीसरी अदालत के गिरफ्तार करने वाले को 5,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। 5,00,000। गुड मॉर्निंग मिस्टर कर्मवीर। गुड मॉर्निंग मिस्टर टंडन। आज का अखबार पढ़ा? हाँ, 5,00,000 रुपए का इनाम रखा है तुम्हें पकड़ने के लिए। 5,00,000। जिस जगह इंसाफ बेबस हो जाए, जहाँ कानून के लंबे हाथ बांध दिए जाएं, वहाँ तुम्हारा कानून इंसाफ करता है तीसरी अदालत। हमें वाकई तुम पे फख्र है। मैं भी आपकी मदद के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ टंडन साहब। जब तक सांस में सांस है, तीसरी अदालत का इंसाफ जारी रहेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाई है डॉक्टर? दिमाग की शांति के लिए। ऐसी खूबसूरत जगह पर आने से तुम्हारे दिमागी तनाव कम होगा, दिमाग को सुकून मिलेगा। ओह, तो ये भी एक तरह का इलाज है। बिल्कुल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम पेंटर हो ना, अपने शौक में इतना डूब जाओ कि दिमाग कुछ और सोच ही ना सके। महेश, महेश क्या हुआ? महेश, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रोने लगे? यही वो जगह है जहाँ मैं पहली बार अपनी पत्नी से मिला था। ओह माय गॉड। इसी जगह मैं पेंटिंग करने आया था। कैनवस फिट करने के बाद मैंने मुड़ कर देखा, वो खड़ी थी इसी जगह, वो खड़ी थी। मैं तो उसे देखता रह गया। ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे सामने एक जीती जागती पेंटिंग खड़ी कर दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, तो करो ना। मैं दीवाने की तरह उसे लिपट गया। ओ माया, माया, ये तुम माया क्या कर रहे हो? महेश, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। हाँ, तुम डॉक्टर, मैं मरीज। ये क्यों होता है मुझे? मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, शायद मैं ही तुम्हें गलत जगह ले आई हूँ। चलो दूसरी जगह चलते हैं। हाँ चलो। अगर तुम ऐसी खूबसूरत, ऐसी शांत जगह पर घूमोगे तो अपनी पिछली सारी यादें भूल जाओगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। अरे वहां कहां रुक गए? आओ ना। क्यों, ये जगह अच्छी नहीं? तुम्हें पसंद नहीं आई? इस जगह को मैं कैसे ना पसंद कर सकता हूँ? ये वही जगह है जहां मैंने पहली बार अमृत का मजा चखा था। अमृत? हाँ अमृत। बाहर बिजली चमक रही थी, हवा शरीर में गुदगुदी कर रही थी। हम दोनों जज्बाती हो गए, एक दूसरे में समा गए। ये प्यार हमारा पहला कुंवारा प्यार था। मेरे होठ जब उसके कुंवारे होठों से टकराए, उस प्यार का स्वाद अब तक मेरे होठों में बसा हुआ है। वो प्यार नहीं 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 नहीं। महेश, नहीं, नहीं, महेश, नहीं, नहीं, क्या हुआ? तुम्हें कैसे लग रहा है? मेरे होश आवाज गुम हो रहे हैं।
अरे अरे तुम बिल्कुल मेरी पत्नी लग रही हो, मेरी पत्नी, मेरी प्यारी प्यारी पत्नी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में। माय डार्लिंग, आई नीड यू, मुझे प्यार करो, मुझे बहुत प्यार करो, अपने होंठ मेरे होंठ से लगा दो। महेश, महेश छोड़ो मुझे। माया, ओह।
अरमानों की बारातों में, अरमानों की बारातों में आग लग गई थी बरसातों में, तेरे मेरे प्यार भरी बातों में आग लग गई डॉक्टर। तुम डॉक्टर हो, मैं मरीज हूँ। हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। सुनीता, क्या बात है, तुम्हारी आवाज इतनी भराई हुई क्यों है? अंकल, लगता है मैं प्यार करने लगी हूँ। हाँ? प्यार करने लगी है? वो भी एक शादीशुदा आदमी से। क्या? शादीशुदा आदमी से? हाँ अंकल, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। आपको डैडी से बात करनी पड़ेगी। ये क्या कह रही हो सुनीता, एक शादीशुदा आदमी के साथ शादी करना चाहती हो? ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी, समझी? नहीं डैडी, मैं महेश के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे कौन है ये महेश, तुम्हें कहाँ मिला था? मेरे क्लिनिक में मरीज बनकर आया था। बहुत खूब, अब उसने तुम्हें मरीज बना दिया। उसकी पत्नी मर चुकी है डैडी, लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि मैं सोच भी नहीं सकती, और मुझ में उसे उसकी पत्नी नजर आती है। क्या सुना करमवीर, सुना तुमने, उसे इसमें उसकी पत्नी नजर आती है। कल उसे और लड़की मिलेगी, उसमें पत्नी नजर आएगी, उसे प्यार करना शुरू कर देगा। नहीं डैडी, मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। सुनीता, तुम्हें उसके प्यार पे पूरा भरोसा है? हाँ अंकल। महेश, महेश तुम? सुनीता बेटी, यही है वो लड़का जिससे मैंने तुम्हारी शादी तय की थी। और ये बेचारा बिल्कुल कंवारा है। जिस तरह रामचंद्र जी ने सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ा था, इसने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी जिद तोड़ी है। Congratulations my boy. Thank you sir. तुम सब लोग मिलकर ड्रामा करते रहे, you cheat. तुम डॉक्टर, मैं मरीज। सुनीता बेटी, अपने होने वाले सास ससुर के पांव छुओ। जीती रहो। इतनी हिम्मत है? शादी करना चाहती है उस चोर से? वो चोर नहीं है, अपनी माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। ऐसे 2% के जरूरतमंद गरीब इस धरती पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन मखमल में टाट का पैबंद लगाना हम अमीरों का काम नहीं है। हम तुम्हारी शादी ऐसे घर में करेंगे जहाँ दौलत तुम्हारे पैरों में बिछी रहेगी। नहीं चाहिए मुझे दौलत, मुझे प्यार चाहिए, अपने पसंद का जीवन साथी चाहिए। चुप रहो, तुम अभी बच्ची हो, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। मैं बालिग हो चुकी हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला करने का कानूनी अधिकार है मुझे। ज्यादा मुंह चलाओगी तो और मारूंगा एक। मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी, लेकिन मैं शादी करूंगी तो राजेश से, सिर्फ राजेश से। समझ में नहीं आता कौन सा भूत चढ़ गया इस लड़की पर। ये भूत नहीं, दीवानगी है भैया, और इस दीवानगी का सिर्फ एक इलाज है। कहाँ रह गई तुम्हारी डॉक्टर सहेली? अब तक तो आ जाना चाहिए था, आते ही होंगे। हाय कविता, तू भी कमाल करती है सुनीता। अगर शादी करवाने वाले पंडित लोग ही देर से आने लगे तो होली शादी। पता है रजिस्ट्रार कब से इंतजार कर रहा है? दूसरे गवाह को लाने में देर हो गई। ये है वो, मेरे मंगेतर महेश। मंगेतर? अरे ये तो वही है ना, तेरे मरीज। हाँ सिस्टर, मैं बिल्कुल वही मरीज हूँ। इनसे मिलिए ये। आ, समझ गया समझ गया, ये तुम्हारे मरीज है। ए, मुबारक हो ब्रदर। चलो चलो यार, रजिस्ट्रार साहब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो। आप में से राजेश और कविता कौन है? हम। और विटनेसेस? हम दोनों हैं। आप लोगों का रिश्ता? ये मेरी कजन है। और ये मेरा भाई है। यहाँ साइन कीजिए। हे राजेश, शादी करने आए हैं? Thank you.
ज्वाला सिंह का फोटो है। ये 20 करोड़ रुपए के हीरे चुराकर जोधपुर से भाग गया है। ऐसा ख्याल है कि ये बम्बई आ रहा है। 25 साल पहले ये ज्वाला एक पुलिस ऑफिसर था। इसकी नाजायज हरकतों की वजह से इसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। अब 10 खून और 15 डकैतियों के सिलसिले में पुलिस इसकी तलाश में है। इंस्पेक्टर अमरनाथ, वाह भाई ज्वाला वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह 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 भाया, मन्ने जब से अपनी माँ की कोख से जन्म लिया जेबर का धंधा कियो, लेकिन बहन के टके इतने खूबसूरत कीमती हीरा है, मन्ने एक साथ कभी नहीं देखा भाया। हाँ नेताजी, मैं जल्दी से जल्दी इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। इन हीरो की कीमत है 20 करोड़ रुपए, इन्हें आप रख लीजिए और 10 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए। हो जाएगा ज्वाला,
रुपयों का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारे जाने का भी। लेकिन एक दो दिन तुम्हें यहां छुपकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे आने की खबर ने शहर के कानून को चौकन्ना कर दिया है। नेताजी, मैं नेता बोल लूं, जब तक आप है कानून और पुलिस के कर लेगा। डाकू जी, जब तक इनकी छत्र छाया में आप है, कोई बैन का टका तुम्हारे शरीर से छोटा सा बाल बीरा काट सके, संजोगड़े ही। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की। अरे मन्ने लंगड़ाम खाना है क्या? मन्ने ठहरा नेताजी का वफादार आदमी, जैसे वफादार कुत्ता होगा ना वैसे आदमी। इसी शहर में धंधा करना है, मन्ने नेताजी से बिगाड़ कर अपनी मेरा मतलब मरना है क्या? क्यों नेताजी? मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हाँ। तुम्हारे खाने पीने का यहाँ इंतजाम कर दिया है, कल शाम को तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है डाकू जी, मन्ने तो बोलूं आपकी हिफाजत के लिए गेस्ट हाउस के चारों तरफ दो चार बहन के टके लगा दूं। मेरे तीन आदमी 30 आदमियों के बराबर है जयचन। मन्ने मालूम है। चलो जयचन। आया हीरे जी, मेरा मतलब है नेताजी, बड़े मोटे मोटे हीरे। अरे आदमी खुजली हो रही है, बैठो। मन्ने उठे बैठू। अरे पाए लागू राजेश जी। अरे सेठ जी, आप यहाँ? क्या भाया, प्यासा कुआं के पास जावे, कुआं थोड़ा प्यासे के पास आवे। अच्छा अच्छा बैठिए। आए बोलिए सेठ जी। हाँ। क्या काम है? क्या करो भाया, तैने मन्ने से पार्टनरशिप मांगी, लेकिन इस गधे ने पार्टनरशिप ना दी, बदले में तैने मन्ने को 20,000 की चपत मार दी। मन्ने तक के पास पार्टनरशिप लेकर आया रे। सेठ जी, मैंने चोरी करना बंद कर दिया है। छोरे, अगर तय चोरी नहीं करेगा तो तय को छोरी कहां से मिलेगी? मतलब तय अपनी माँ का इलाज कैसे करेगा? छोरे, मन्ने जो आदमी काम का लाग है उसकी पूरी खबर रखो। तने भला ही चोरी करना छोड़ दिया हो, लेकिन चोरी के माल को लूटना चोरी ना होवे। तुम कहना क्या चाहते हो सेठ? तने जवाला डाकू का नाम सुना है? वही 20 करोड़ के हीरो वाला। वही बहन का टका। ते वो हीरे लाके मन्ने को दे दे, मन्ने ते को 2 करोड़ रुपया दे दूं। सोच लो भाई, जिंदगी की सारी जरूरत है एक झटके में पूरी हो जाएंगी। छोरा सोचता क्या है राजेश, इससे अच्छा मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। बोलो भाया। तुम ठीक कहते हो सेठ, चोर को लूटना चोरी नहीं होशियारी होती है। मुझे ये सौदा मंजूर है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। कहो उठ लो। ये आप क्या कह रहे हैं? जिस कार में ज्वाला भागा था मैंने उस कार का नंबर भी नोट कर लिया है। अब चेक पोस्ट वालों ने खबर दी है कि ज्वाला की कार पवई के इलाके में जाती देखी गई। अब पवई में ज्यादातर बंगले बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं, इसलिए एक ही जगह है जहां ज्वाला जाकर छुप सकता है, और वो है नेता परशुराम का गेस्ट हाउस। अगर ज्वाला वहां नहीं हुआ डैडी, तो नेता परशुराम आपकी वर्दी उतरवा देगा। इसीलिए तो पुलिस के नाते मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता बेटे, मगर तुम जाती तौर पर कोशिश करो। करो कोशिश, अगर ज्वाला वहां पर मिल गया तो समझ लो एक ही रात में तुम्हारा बाप कमिश्नर बन जाएगा बेटे। ये तो आग से खेलने वाली बात है डैडी, फिर भी आपकी कमिश्नरी के लिए और ज्वाला जैसे आदमी की गिरफ्तारी के लिए मैं इस आग में छलांग लगाऊंगा। हेलो, करमवीर स्पीकिंग। करमवीर, मैं बोल रहा हूं, ज्वाला नेता परशुराम के पवई वाले गेस्ट हाउस में है। ज्वाला परशुराम के गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है, अपने लोगों को गेस्ट हाउस के चारों तरफ फैला दो ताकि आने जाने वालों पर वो नजर रखें। हम लोग बाद में वहां जाएंगे। ज्वाला, कल शाम को पार्टी हीरे लेकर सारे पैसे दे देगी। मेरे जाने का क्या हुआ नेताजी? कल रात को 12 बजे एक मोटर बोट मड आइलैंड से तुम्हें ले जाएगी। इंटरनेशनल वाटर्स में एक शिप खड़ा है, उसके जरिए तुम जहां चाहो। मान गए नेताजी, आपके हाथ वाकई कानून से ज्यादा लंबे हैं। तीसरी अदालत से ज्यादा लंबे नहीं है।
कौन हो तुम? जुर्म करके कानून से बचने वालों के लिए तीसरी अदालत, और तुम्हारे लिए पहचाना कुत्ते। बलवंत तुम? हाँ अमरनाथ, वही बलवंत जिसे भाई की मौत के जुर्म में तूने गिरफ्तार किया था, वही बलवंत जिसकी बीवी को जिंदा जला देने का हुक्म दिया था तूने, वही बलवंत जिसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, वही बलवंत आज तेरी मौत बन कर रहा है। तीसरी अदालत, तुम तीसरी अदालत? नहीं यार, वो साला तीसरी अदालत है ना, उन दोनों का खून करके भाग गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो ओ, तो तुम तीसरी अदालत के साथी हो, उसकी मदद कर रहे थे? अरे नहीं भाई, मैं तो ज्वाला के हीरो के लिए आया था। हीरे, कहाँ है वो? अच्छा, तो तुम भी उन्हीं हीरो के लिए आए हो? सॉरी फ्रेंड, मैं इन हीरो में भागीदारी नहीं करूँगा। ये हीरे और अपने आप को मेरे हवाले करो, चलो। देखो दोस्त, इस मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना मैं दोस्ती का भी ख्याल नहीं करूंगा, समझे? चुपचाप मेरी बात मान लो वरना। अच्छा बाबा, अच्छा हीरा चाहिए ना, ये लो लो।
जल्दी अंदर घुस ले। वो वैन में गया। चलो चलो चलो, चलो। ड्राइवर पीछा करो उस वैन का। चलो मन्ने को मालूम था तय बहुत होशे आ रहा है, हीरे जरूर चुरा के लाएगा। तय काम कर, मन्ने को ये बैग दे दे, दे देना बैग। पहले 2 करोड़ रुपए दे सेठ। ओ कौए, मन्ने से प्यारे से बबुआ को 2 दे दे। बाहर बैठ जा। दरवाजा खोलो। मन्ने पंचर हो गया। मन्ने पंचर हो गया। तो आप हैं वो चोरी के माल के खरीदार मशहूर जयचंद जी। अरे काय काय जयचंद जी, मन्ने तो आप मन्ने मुर्दा तंज हो गए हो। मन्ने बोलू मन्ने के बाप लोग, ये मौत की लंबी सी नली मन्ने से दूर कर ले। हीरो का बैग हमारे हवाले कर दो, वरना ये पिस्तौल चल पड़ेगी। नहीं मन्ने बोलू की चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, 50-50 कर लो। बांट के खाने की आदत हमारी नहीं है। मेरा बैग। हीरे कहाँ है? हीरे कहाँ है? हीरे कहाँ है? बोल बोल। हीरे कहाँ है? अरे मन्ने ना मारो, मन्ने ना मारो, मन्ने लक्ष्मी मैया की कसम, मन्ने नहीं पता वो। वो बैन का टका राजेश, हम तीनों को चूड़ा लगा के। मन्ने बोलू अब कोई नया पपलू सोचो, नया पपलू सोचो भाई बाप। राजेश, राजेश। महेश क्या बात है? राजेश कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। अंदर कौन है? राजेश की माता जी। लेकिन बात क्या है? चल चल। ये क्या कर रहे हो महेश? माफ करना बहन, मैं राजेश की माँ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। राजेश आए तो उसे कह देना कि वो हीरे लेके पहाड़ी वाले खंडर पर पहुंच जाए, उसे उसकी माँ मिल जाएगी वहाँ। ये क्या कह रहे हो महेश? कैसे हीरे? देखो राजेश की माँ बहुत बीमार है, वो ना तो बोल सकती है ना किसी को पहचान सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो राजेश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल चल अंदर चल, सीधी तरह। कौन किसको जिंदा छोड़ेगा देखा जाएगा। माँ, ओ माँ जल्दी आओ। क्या बात है बेटे, क्या हुआ? कौन है ये? माइन की तबीयत ठीक नहीं है, अब थोड़ी देर इन्हें संभाली, मैं अभी होके आता हूँ। मगर बेटा, अरे ये तो सुमति बहन है। हाँ ये तो वही है। सुमति बहन, कहाँ थी तुम इतने सालों? मैं लक्ष्मी, पहचाना नहीं? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया सुमति बहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ इन्हें महेश? सुमति बहन तुम्हें कहाँ मिली? आप लोग इन्हें जानते हैं? हाँ बेटा, ये वो देवी है जिसकी वजह से इस घर में औलाद का चिराग जला है बेटा। औलाद मतलब? हाँ बेटे, यही तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है। क्या? हाँ बेटा, हमने तो तुझे सिर्फ पाला है। तुम्हारा जन्म होने से पहले कुछ गुंडों ने इनके घर में आग लगा दी थी। अपने आप को आग से बचाने के लिए ये खिड़की से कूद पड़ी, लेकिन इनके कपड़ों ने आग पकड़ ही ली। जब कुछ और नहीं सोचा तो आग को बुझाने के लिए इन्होंने पानी में छलांग लगा दी। हमने जब इन्हें देखा तो ये नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली। उस वक्त ये माँ बनने वाली थी। इन्हें हम अस्पताल ले गए, जहाँ इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेबस बेघर लाचार को हम अपने घर ले आए। इन्होंने पता लगाया
कि इनके पति शहर से कहीं दूर चले गए थे और पुलिस को शक था कि शायद वो जिंदा भी ना हो। इस दुखिया पर बिजली सी टूट पड़ी। सुनो जी। बोलो जी। मेरे मन में एक विचार आया है। अच्छा? इतने साल हो गए हमारी शादी को। डॉक्टर ने भी कहा है कि हमारे बच्चा होना मुश्किल है। बेचारी सुमति के लिए दो बच्चों का पालना मुश्किल होगा। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? एक तरह से उस बेचारी की तकलीफ पट जाएगी और हमें औलाद का सुख मिल जाएगा। ये तुम क्या बात कर रही हो लक्ष्मी? वो बेचारी वक्त की मारी, वक्त की सताई, एक मजबूर औरत है। तुम उसकी मजबूरी को अपनी खुदगर्जी के लिए खरीदना चाहती हो? ऐसा मैंने कब कहा? भाई तुम्हारे कहने का मतलब तो यही निकलता है। देखो ममता इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है। औरत हर चीज से अलग रह सकती है, अपनी औलाद से नहीं। ये बेकार की बातें तुमने सोची कैसी? चलो सो जाओ। भैया इस संसार में इंसान सिर्फ सहारे के साथ ही जिया करता है। मेरा घर जल गया, पति न जाने कहां खो गए, बेसहारा नदी के किनारे पड़ी थी। आप सहारा न बनते तो शायद बच्चों को जन्म दिए बिना ही मर जाती। आपने मुझे बहन बोला है, इसलिए एक विनती करती हूँ। भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए हैं और मेरी भाभी का आंगन सुना है। मैं अपनी खुशी से अपना एक बच्चा लक्ष्मी भाभी को दे रही हूँ, बहन का तोहफा समझकर कबूल कर लो। जन्म देने वाली सामने रहेगी तो पालने वालों को औलाद से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए जा रही हूँ। भगवान तुम सबको खुश रखे। इसका मतलब है राजेश मेरा सखा भाई है। मैं अभी आया। कविता, कविता, बा, बा, कविता, बा, राजेश, मैं यहाँ हूँ राजेश, मैं यहाँ हूँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ कविता? माँ कहाँ है? महेश, महेश ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और तुम्हारी माँ को उठा ले गया। क्या? और कह के गया है जब तुम हीरे लेकर पहाड़ी वाले खंडर में जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेगी। महेश, तूने मेरी माँ को ले जाकर अपनी मौत को दावत दी है। राजेश, 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 कमीने, तू मेरी माँ को उठा के ले गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजेश, मेरी बात तो सुन। बोल मेरी माँ कहाँ है? राजेश, मेरी बात तो सुन। बोल। और मेरी बात सुन, राजेश, मेरी बात सुन, राजेश। रुक जा। एक बार मेरी बात सुन ले मेरे भाई, तू फिर भले मुझे जान से मार देना, तू नहीं जानता, तू और मैं सगे भाई हैं। तू झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ भाई, माँ की कसम। तू मेरे साथ घर चल, और अगर फिर भी तुझे यकीन ना आए ना, तो माँ के सामने जितना तेरा दिल चाहे मुझे मार लेना। तू चल आओ। माँ, 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 तू ठीक तो है ना? माँ, ये राजेश है। राजेश, ये मेरी माँ है, ये मेरे डैडी है। बचपन से इन्होंने मुझे पाला है। माँ, राजेश को यकीन नहीं आ रहा कि हम सगे भाई हैं। ये सच है राजेश बेटे, 20 साल पहले तुम दोनों का जन्म हमारे ही सामने हुआ था।
हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए तुम्हारी माँ एक बेटा हमें दे गई थी। हाँ राजेश। राजेश मेरे भाई, राजेश मेरे भाई, अरे मन्ना बोलो, किसी भी हालत में वो बहन के टक्कर राजेश को ढूंढो। मेरे आदमी उसे जरूर ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढना तो पड़ेगा ही, अखबारों में साफ लिखा है कि ज्वाला डाको और परसराम नेता का खून तीसरी अदालत ने किया है, है? और पुलिस का वट है हीरे मिला नहीं है, और ये राज हम तीनों जानते हैं कि हीरे अब राजेश के पास है। मैंने तो बोलूं कि राजेश को जान से मार दो और 20 करोड़ के हीरे मिलते हैं ना, आपस में बांट लो, समझे कि नहीं समझियो। लेकिन वो हरामखोर राजेश मिलना तो चाहिए ना। ए, ये कैमरा यहाँ क्यों छुपा है? अरे भैया इसमें एक बहुत कीमती तस्वीर है, तीसरी अदालत की। क्या, तीसरी अदालत की? चलो जल्दी से इसे डेवलप करके देखते हैं, बहुत काम है मुझे तीसरी अदालत से। ये देखो, ये तीसरी अदालत है। हाँ, क्या तुम इसे जानते हो? अरे लेकिन ये तो सुनीता का अंकल है। अच्छा तो इसके दो रूप हैं, इसे पकड़कर कानून के हवाले करना चाहिए। जय राम जी की जी। नमस्ते बाबूजी। राम बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। राम राम जी। महेश वो आ रहा है। तुम ये सब क्या है? ये उस कानून की पकड़ है जिससे आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका है तीसरी अदालत। तीसरी अदालत? पागल हो गए हो तुम? पागल तुम हो जो बेरहमी से खून की होली खेलते हो, जिसका सबूत ये है। इतनी बड़ी एस्टेट का मालिक, लोगों की नजरों में इंसानियत का देवता, एक खूनी है, एक हत्यारा है, ये देखकर इंसानियत भी खून के आंसू बहाएगी। इंसानियत जरूर खून के आंसू बहाएगी, इसलिए नहीं कि मैं तीसरी अदालत हूं, बल्कि इसलिए कि तुम जैसे बेवकूफ नौजवान, इंसानियत की हिफाजत करने वाले, इस इंसान को मिटा देना चाहते हो। कानून से बढ़कर हिफाजत करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है, और हम तुम्हें कानून के हवाले करेंगे। मत नाम लो कानून का मेरे सामने। कहा था वो कानून जब बिल्लर पंजा कानून की गिरफ्त में आए थे? क्या कर रहा था कानून जब इंस्पेक्टर नारायण की बेटी का कत्ल किया जा रहा था? इंस्पेक्टर अमरनाथ, जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे लॉकअप में बंद किया था, जिसने मेरे घर को आग लगवा दी थी, जिसमें मेरी संतान पैदा होने से पहले ही मेरी पत्नी के साथ जलकर मर गई, उस वक्त ये कानून क्या कर रहा था? मैं पूछता हूं, कहां था कानून? मैंने कसम खाई है अपनी पत्नी की, अपनी संतान की, अपनी आखिरी सांस तक मैं कानून का नाजायज फायदा उठाने वाले भेड़ियों को खत्म करता रहूंगा, मिटाता रहूंगा। और अपनी कसम पूरी करने के लिए तुम बच्चे तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकते। रास्ते में आने वाली हर ताकत को मैं मिटा के रख दूंगा। Thank you.
डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उनका खून बहाता हूं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। तुम दोनों को मारकर मैं अपनी आत्मा पर बोझ नहीं डालूंगा। मैं जानता हूं इस तस्वीर का नेगेटिव तुम्हारे पास है, जिसके जरिए तुम मुझे अदालत के कटहरे तक ले जा सकते हो, लेकिन मैंने कानून और अदालत का खिलवाड़ अच्छी तरह सीख लिया है। जिस तरह बिल्ला और पंजा बच गए थे, उसी तरह मैं भी बच निकलूंगा। लिसन बॉयज, नाउ डोंट ट्राई टू एवर कम इन माई वे। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बकवास। अपने हिसाब से अगर हर एक अपनी मजबूरी बना ले तो इस कानून, इस सरकार और इस देश की ना ही कोई कीमत रहेगी और ना ही कोई जरूरत। मैं तीसरी अदालत को कानून की अदालत तक जरूर ले जाऊंगा और देखूंगा कि उसे मौत की सजा से कौन बचाता है। क्या बात है डैडी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई चोट का निशान है, ना कोई नस खराब है। लगता है कोई बहुत इमोशनल जज्बाती सदमा पहुंचा है, जिससे दिमाग एक जगह पे आकर रुक गया है, आगे फंक्शन नहीं कर रहा। ये सुमती, सुमती तू जिंदा है? सुमती, 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 अरे सुमती देखो, ए सुमती, 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 मेरी बात सुमती, सुमती, क्या हो गया तुम्हें सुमती? सुमती, सुमती देख, मैं बलवंत, तू बलवंत, सुमती देख, देख सुमती, मैं तुम्हारे पति बलवंत। डॉक्टर, क्या हो मेरी पत्नी को? क्या, ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, ये मेरी पत्नी है। Jump up!
बैठो मेरे पास जरा। पहचाना मुझे? क्यों नहीं, तुम लक्ष्मी बहन हो और ये राम अवतार भैया है। तुम्हारा बेटा कैसा है? कैसी बातें करती हो, मेरा नहीं हमारा बेटा, उसे सब कुछ मालूम हो गया है। दोनों भाई एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। अच्छा, दोनों भाई? हाँ भैया, राजेश और महेश दोनों सगे भाई हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। और इनसे मिले, ये दोनों तुम्हारी होने वाली बहुएं हैं, कविता और सुनीता। हमारे बेटे कहाँ हैं? बुलाओ ना उन्हें। बहन जी, वो दोनों एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम तीसरी अदालत को पकड़ने गए। क्या सोच रहे हो? हमारे बेटे किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ने गए हैं, भगवान न करे उन्हें कुछ। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे बच्चों को मेरे पास ले आओ। घबराओ नहीं सुमति, तीसरी अदालत से हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये लो। चलो राजेश, हमें ये फोटो फौरन आईजी साहब के पास पहुंचाना है। एक बार फिर सोच ले भाई, क्या तीसरी अदालत से टकराना ठीक होगा? अरे डरते क्यों हो भाई, अब तक मैं अकेला था, कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन अब तुम मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ हो, हम दोनों सारे जमाने से भी टकरा सकते हैं। चलो। अरे भाया, तय का कोई बहन का टका सका भाई भी है, ये मन्ने को पता चला ढेर खुशी हुई। क्या चाहिए तुम्हें? मन्ने की भाई बंदी सिर्फ दौलत से है। देख बाबुआ, तय मन्ने को वो हीरे दे दे, नहीं तो तय दोनों भैयाओं को मन्ने है जमीन में जिंदा करवा दूं। क्या हीरे तुम्हें नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो हीरे तीसरी अदालत के पास है। तीसरी अदालत? यकीन नहीं आता तो ये फोटो देखो, जवाना को मार के वो हीरे ले गया। ये तो हमारा पुराना ड्राइवर बलवंत है। बलवंत? हाँ? अरे भाया, मन ने तो इसे बहुत बड़ा अमीर आदमी सेठ करमवीर के नाम से जाना है। करमवीर?
इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रूप एक ही आदमी के हैं। अरे भाई, ये बहन का टका बैग में चप्पल देने वाला है, तय इसका यकीन मत करियो। इसके झूठ और सच का फैसला तो हम अड्डे पे ले जाके करेंगे। फिलहाल तो ये तीसरी अदालत के लिए हमें तीसरी चाल चलनी पड़ेगी। ले चलो इन दोनों को। चल 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 चल। तीसरी अदालत तेरी बहन का टका। बहन के टका। अबे बनिया मार दूंगा तुझे अगर तूने कुछ किया तो। साले तेरा। महेश। अंकल वो दोनों घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गए होंगे? आप घर चलिए, हम उन दोनों को ढूंढ के लाते हैं। Don't worry, I'll try to find them out. जी। सुमती, राम सिंह। डॉक्टर प्रकाश, ये सब क्या हो गया? कौन आया था यहाँ? कुछ गुंडे तुम्हारी तलाश में आए थे, तुम्हें यहाँ ना पाकर मेरी हजार कोशिशों के बावजूद भी सुमति भाभी को उठा कर ले गए। गुंडे? कौन गुंडे? कौन थे वो लोग? वो मन्नत ताय को बताता हूँ तीसरी अदालत। तू कौन है आराम से? अरे भाया, मन्ने वो बहन के टके बलबीर और अनमीर का दूत हूँ, वही ताय के पुराने मालिक। वो कुत्ते अभी तक जिंदा हैं? हाँ भाया, कभी कुत्ते भी जल्दी मरे हैं। हाँ वो जिंदा है। और मन्ने ताय को एक और बात बताऊँ, ताय की धर्म पत्नी उनका कब्जे में है। क्या बकवास? कहाँ है मेरी धर्म पत्नी? हरामजादे कुत्ते की औलाद बता कर, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। अरे अरे उनके चक्कर में मन्ने का क्रिया क्रम कर रहे हैं। अरे मन्ने की गर्दन चोर, वरना मेरी धोती खुल जाएगी। मैं तेरे जैसे की धोती नहीं खोलता कुत्ते, तेरे जैसे की खोपड़ी खोलता हूँ। अरे मन्ने की खोपड़ी खोलने से क्या फायदा? अरे भाया जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर मन्ने तय का जवाब लेकर उधर दो घंटे के अंदर अंदर ना पहुंचा तो वो कुत्ते तय की धर्म पत्नी को जान से मार देंगे। क्यों निकले ऊंट पहाड़ के नीचे से? बोल साले, कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? अब आना था लाड़ पे, रणबीर और बलबीर का सोना लेकर तय 9:11 हो गया था। कल ठीक 5 बजे तक वो सोना लेके घोर बंदर के किले पहुंच जाइयो, वहां से कटे जाना है। मन्ने तय को बताओ। और हाँ, वो डाकू जी, मन्ने का मतलब है वो बहन का टका डाकू ज्वाला सिंह जी के हीरे है, वो भी लेकर आयो। आएगा ना? हाँ, माँ के टके किसी बहन के टके के हीरे जवाहरात मेरे पास नहीं है। नहीं है? राजेश और महेश तो कह रहे थे कि वो हीरे तय के पास है। राजेश और महेश कहाँ है? वो बहन के टके भी उन भेड़ियों के कब्जे में है। वो कह रहे थे कि वो चमचमाते हुए हीरे तय के पास है। मन्ने क्या करूं भाया, तय तो अच्छी तरह से जाने कि रणबीर और बलबीर लालची कुत्ते हैं, सोने और हीरे के वास्ते वो अपनी सखी माँ का खून कर दे। अगर तय ना है ना भाया, मन्ने डर लागे कहीं तय की धर्म पत्नी का खून ना कर दे। मार! यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी वजह से मेरी बेटी बागी हो गई। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। अरे अरे मौत तो तय की काम जाएगी, वो बहन का टका तीसरी अदालत कभी भी टपक पड़ेगा हीरे लेके। उसकी चिंता मत करो जयचंद, वो उस वक्त तक चूहे से भी बदतर है जब तक उसकी पत्नी हमारे कब्जे में है। आया तय काम कर, वो बुढ़िया को बुला के अपनी आंखों के सामने धर लियो। तूफान से ज्यादा तेजी है उस सांड में, लोगाई की मौत का डर ही उस बहन के टके को कंट्रोल में रख सके। तू यू समझ कि वो बुढ़िया जो है ना वो हमारी ढाल है, समझो कि नहीं समझो? लेकर आओ उस बुढ़िया, चल दे। माँ, मैं राजेश हूँ। माँ माँ माँ, मुझे पहचाना नहीं? माँ मैं राजेश हूँ, ये देख ये महेश है मेरा सगा भाई। हाँ माँ। महेश,
जाने दो, छोड़ दो मुझे, मेरा बच्चा, राजी, मेरा बच्चा, महेश, महेश, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, महेश, राजेश, मेरे बच्चे, ये सब क्या है बेटे? माँ, तू ठीक हो गई माँ? तुझे सब कुछ याद आ गया? हाँ, तेरे पिता ने मुझे सब कुछ याद दिला दिया। पिता ने? इसका मतलब तीसरी अदालत? तुम्हारे सगे पिता का बदला हुआ नाम है और उसका असली नाम है बलवंत, है? है ना? तुम दोनों वही राक्षस हो ना जो उस दिन मेरे घर आए थे और मेरे घर में आग लगाई थी। हाँ बिल्कुल वही, तुम्हारे देवर को मारा भी हम ही ने था और तुम्हारे पति को फसाया भी हम ही ने था। कमीनों कुत्तों, तुम्हारी वजह से हमारा खानदान बर्बाद हो गया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बंद हो इसको। खबरदार जो मेरी बात का हाथ लगाया। वाह वाह, तू तो मन्ने का भी बाप निकला। मन्ने तो सोचा था सिर्फ तीसरी अदालत की लगाई हमारे कब्जे में है, पर इके दोनों पिल्ले भी हमारे कब्जे में है। अब चूहा तो चूहा, वो तीसरी अदालत साला कछुआ बनकर आ गया। दोनों पिल्ले पर लोग सिधार जाएंगे। ला मने को तमंचा दे, ला तमंचा दे साले। ए देख क्या रहे हो, बंद हो इसको, बंद हो साले तीसरी अदालत को। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये हाथ तूने तोड़ा था याद है? हम्म, अब यही हाथ तुझसे उगलवाएगा कि हीरे कहाँ है। और ये टांग भी तूने ही तोड़ी थी ना? अब इसी टांग से तेरे बदन की एक एक हड्डी तोड़ूंगा। बोल बोल, कहाँ है रे, बोल। मारो साले को, बोल, मारो, मारे साले। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं बताता हूँ इसे कहाँ है। नहीं है, किस नहीं, वो हीरे देश की अमानत है, इन कुत्तों के हाथ नहीं लगेंगे। लेकिन ये कुत्ते आप पर हाथ उठाए, ये हम नहीं देख सकते। मुझ पर हाथ उठाकर ये अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। एक बात सुन लो हरामजादो, जब तक तुम तीनों के जिस्म के मैं टुकड़े टुकड़े नहीं कर लूंगा, इस शरीर से दम नहीं निकलेगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझसे कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तुम उससे पूछो हीरे कहाँ है, पूछो।
नहीं बलवन, मत मारो, मत मारो, हमें मत मारो। हम तुम्हें अपनी सारी दौलत देने के, हमें मत मारो, माफ कर दो हमें। माफ करता हूँ, तीसरी अदालत के फैसले से आज तक कोई नहीं बच सका। आज तुम दोनों को खत्म करके मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा, मेरे छोटे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं 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 जान ले ले, हीरे दे दे, हीरे दे दे, हीरे दे दे, अरे मने हीरे दे दे। तीसरी अदालत, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। साहब, आपसे एक विनती है, इस धरती से नरवीर और बलवीर जैसे पापियों का खात्मा कर दीजिए, नहीं तो फिर कोई बलवंत अपनी तीसरी अदालत बनाकर खड़ा हो जाएगा। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। मिस्टर टंडन, इन्हें गिरफ्तार कर लो। आई एम सॉरी सर, इन्हें गिरफ्तार करने का मुझे कोई हक नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरी अदालत के कई कारनामों में मैंने भी साथ दिया है, इसलिए मैं खुद भी अपने आप को कानून के हवाले करता हूं सर। इंस्पेक्टर रामोतार। यस सर। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। सर, इजाजत हो तो एक मिनट में अपने परिवार से मिल लूं। ओके। सुमित जी, हैश, अपनी माँ का ख्याल रख लो। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सरोना, तुम मुझसे खफा न होना।